हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HDFC AMC के ऊपर। तो HDFC AMC का वीकली चार्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ है। हम लोग क्यों इस चार्ट को ले रहे हैं, क्या हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान होने वाला है, इस चार्ट में हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं, आप लोग जो है वीडियो को जब लास्ट तक देखिएगा तो आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। आपको प्रॉपर लेवल्स भी पता हो जाएंगे, जिससे कि आप अगले कुछ वीक में जो है या फिर जो है नेक्स्ट कुछ दिनों में आपको इस स्टॉक में एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या फिर जो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं आपको पहले से, उन लोगों को भी एक क्लियरिटी मिल जाएगी जो कहाँ तक ये स्टॉक गिर सकता है और हम लोगों का इस स्टॉक के लिए एनालिसिस क्या है। तो चलिए, वीकली चार्ट खुला हुआ है, सबसे पहले इस स्टॉक में हम लोग बात करते हैं। तो स्टॉक में देखिए, आपको जो है यहाँ पे 3-5-0 के रेंज पे जो है स्टॉक आपको क्लियरली यहाँ पे एक अच्छा रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। मल्टीपल अटेम्प्ट आपको इस लेवल को ब्रेक करने के हुए, बट आपको ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद जो है आपको ब्रेक डाउन हुआ है। नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, 2700 से 3250 के रेंज में जो है स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और ये लेवल आपको बहुत टाइम के बाद ब्रेक हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 2020 में ये लेवल जो है कभी ब्रेक नहीं हुआ था, कंटिन्यू इस लेवल पे आपको 2-3 अटेम्प्ट हुए लेकिन यहाँ पे आपको हॉल्ट कर जा रहे थे बायर्स, लेकिन इस बार फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है। आपको ब्रेक डाउन होने के बाद आपको यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ इस ब्रोकन लेवल का, और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है आपको अपने लोअर लेवल पे ही क्लोज हुआ है, 2600 के लेवल पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। अब सबसे अगर आप पहले देखेंगे वीकली चार्ट में अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 2400 के लेवल पे जो है इसका इस चार्ट में आपको पहला सपोर्ट देखेगा, यहाँ पे कि एक बार के लिए स्टॉक हॉल्ट कर सकता है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 2250 का लेवल है जहाँ पे कि इसके बाद आपको सपोर्ट है। तो क्लियरली आपको यहाँ से 200 पॉइंट का डाउनफॉल क्लियरली इस चार्ट पे आपको दिख रहा है। वीकली चार्ट ब्रेक डाउन है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब हम लोग चलते हैं सेम चार्ट को डेली चार्ट पे खोलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एक गिरावट आपको दिख रहा है, 2900 के लेवल से कंटिन्यूअस गिरावट हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट के ऑलमोस्ट 8-10 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे स्टॉक जो है आपको हॉल्ट कर रहा था। कभी भी कोई भी स्टॉक अगर गिरता है तो वो कंटिन्यू नहीं गिरता है, या तो वो एक रिट्रेसमेंट लेगा या फिर वो सेम लेवल पे आपको हॉल्ट करेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा। तो इस केस में जो है आपको रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे जो है आपको एक रेंज बनाया, नैरो रेंज में स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ट्रेड किया और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। अगर हम लोग इस रेंज की बात करें तो ऊपर की साइड 2700 का लेवल था और नीचे की साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको 2620 का लेवल था जिस रेंज में जो है ये स्टॉक आपको ट्रेड कर रहा था। तो फाइनली जो है ये लेवल ब्रेक हो चुका है, वीकली चार्ट में भी ब्रेक हो चुका है, डेली चार्ट में भी आपको ब्रेक हो चुका है। तो इस स्टॉक में जो है अब आपको एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जो यहाँ पे जो है एक थोड़े लंबे समय के लिए हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है क्लियरली 2700 के ऊपर होगा। अगर 2700 के ऊपर स्टॉक निकल जाता है डेली चार्ट में तो ही आपको यहाँ पे पोजिशन से एग्जिट करना है, नहीं तो यहाँ पे जो है आप इजिली पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और जो लोग भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वो लोग दिसंबर मंथ का ऑप्शन लेंगे, क्योंकि दिसंबर मंथ में अभी आपको एक महीने से ऊपर का टाइम है तो वहां पे आपको टाइम डिके भी कम होगा, साथ ही साथ जो है नवंबर मंथ में जो है आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहां पे आपको रोल ओवर अल्टीमेटली करना ही होगा। इसलिए बेटर है जो आप अगर पोजीशन बनाते भी हैं ऑप्शन में या फ्यूचर में तो आपको जो है यहाँ पे दिसंबर मंथ में ही बनाना है। और दूसरी बात जो है आपको स्टॉप लॉस 2700 के ऊपर है तो क्लियरली यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं जो 2400 तक स्टॉक जो जा सकता है, क्योंकि डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में भी आपको सेम इसी लेवल पे जो है सपोर्ट है। इसलिए क्लियरली 1:2 का जो है हम लोगों को रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है, तो एक अच्छे लेवल पे इस स्टॉक को जो है हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेली चार्ट में आपको डेथ क्रॉसओवर हुआ है। डेथ क्रॉसओवर क्या होता है, जब आपको कोई भी छोटा टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज अगर बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ जाता है तो उसको हम लोग डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं, जो कि आपको एक बियरिश साइन होता है, जो कि यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है हम लोगों के एनालिसिस को, जो आपको यहाँ पे जो है एक बियरिश साइन दिख रहा है।
जो इंडिकेटर भी आपको इंडिकेट कर रहा है, साथ ही साथ आपको प्राइस भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये लेवल जो है आपको बहुत दिनों के बाद ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने के साथ साथ जो है रिटेस्ट होने के बाद इसके नीचे क्लोज कर चुका है। तो इसलिए जो है इस स्टॉक में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है 2400 के टारगेट के लिए जो हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट का है, टारगेट जो है 200 पॉइंट का है, लेकिन याद रहे यहाँ पे जो है आपको थोड़ा लंबा समय के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो लोग भी ऑप्शन में बाई करेंगे वो लोग एक और काम कर सकते हैं, आप लोग जो है 2600 का पुट ऑप्शन लेके और जो है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दूर का 2200 का या 2300 का जो है आप लोग पुट ऑप्शन को सेल भी अगर करेंगे तो भी जो है वहाँ पे आपको टाइम डिके भी मैनेज हो जाएगा और आपको जो है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।